और भाई क्या हालचाल, संस्कार से नमस्कार भाई। इंडियन आइडल 13 का इलिमिनेशन, एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसको सारे लोग यही बोल रहे हैं इलिमिनेट हो जाना चाहिए इनको, इलिमिनेट कर दिया जाए इनको। आखिर वो कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, रिवील करने वाले हैं कि वो कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिन्हें पब्लिक भी ये कह रही है कि इनको इलिमिनेट हो जाना चाहिए शो से। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो एक कंटेस्टेंट आखिर कौन है इंडियन आइडल 13 में। अब मैं आपको बता दूं पहली चीज कि अब तक आप सब इंडियन आइडल 13 में जितने भी एपिसोड देखे हुए हैं, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस सभी कर रहा है, ठीक है। 5 कंटेस्टेंट अब तक इलिमिनेट हो चुके हैं शो से। अब हम बात करते हैं छठवें इलिमिनेशन का। भाई छठवें इलिमिनेशन को लेकर काफी सारे लोगों का नाम आ रहा है क्योंकि काफी सारे ऐसे कंटेस्टेंट है जो दो दो बार तीन तीन बार बॉटम में आ चुके हैं, जैसे चिराग 3 बार बॉटम में आ चुके हैं। इसके बाद है काव्या भी बहुत बार बॉटम में आ चुकी है। अब सवाल यहां पे काफी लोगों का ये उठता है कि एक ऐसे कंटेस्टेंट है इंडियन आइडल 13 में जिनको सारे लोगों का यही कहना है कि इनको तो इलिमिनेट हो ही जाना चाहिए शो से क्योंकि ये इलिमिनेशन के डिजर्विंग है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि वो कंटेस्टेंट ऐसा कौन सा वो कंटेस्टेंट है कि जिसको सारे लोग ये बोल रहे हैं। तो हम आपको बता दें वो कंटेस्टेंट है नवदीप वडाली, जिनको सारे लोगों का यही कहना है, पब्लिक की जो वोट करती है उन लोग का ये कहना है कि नवदीप वडाली को एलिमिनेट हो जाना चाहिए शो से क्योंकि वो डिजर्विंग नहीं है। अब सवाल यहां पे मेरा आप सब लोगों से ये उठता है कि क्या सच में नवदीप वडाली एलिमिनेशन के डिजर्विंग है। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात बताइए गाइस, यही है सच्चाई एलिमिनेशन को लेकर। तो अगले वीडियो मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तो लव यू गाइस एंड थैंक यू मेरे भाई लोग।